देखो तुम तो मुझे बस एक बात बताओ, अगर हम कल अयान और हुमेरा की सगाई का ऐलान कर दें तो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? हमें क्या एतराज हो सकता है भाभी, हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। बाजी इतना ब्लश ब्लश करती हुई कहाँ जा रही है? माजरा क्या है? निखत बाजी, कल आपकी सगाई है और इस बात के लिए हम बहुत खुश हैं। हाँ पर अब कल मेरी सगाई है ना, तो मुझे शर्माना चाहिए। हाँ। तुम क्यों शर्मा रही हो? हाय अल्लाह, चेहरा कितना लाल पड़ गया है। क्या बातें हो मेरा बेगम, बात क्या है? हमें भी तो बताओ। हाँ, कुछ नहीं बाजी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। तुम ठीक हो? जी भाई, भाई घर पर आज सब कितना खुश है। निखत की कल सगाई है और मेरा बड़ा भाई मुझे इस गली के बाहर छोड़ के जा रहा है। मैं इन बातों को भूल जाऊं, अंदर जाओ, सब राह देख रहे होंगे। भाई आज बहुत अच्छा लगा जब आप ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आप मेरे बड़े भाई हैं। अल्लाह की कसम, बहुत दिल करता है भाईजान कि मैं इन पूरी दुनिया को बताऊं कि आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन हर बार खुद को रोकता हूं और खामोश रहना पड़ता है। चलो अंदर जाओ, सब परेशान हो रहे होंगे। तुम ठीक तो होना है? हाँ भाईजान, इस गंजे ने बहुत मारा आज। उससे होशियार रहना है, आज का हादसा बहुत अजीब सा। वो पुलिस ऑफिसर पता नहीं क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ, क्यों हमारे रिश्ते के बारे में जानना चाहता, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी भाई, बात तो वाकई में काफी अजीब है। मैं जब हसीना बी के घर से निकला तो वो मेरे रास्ते में इंतजार कर रहा था। इसका मतलब ये है कि वो उसे मालूम था कि मैं कहाँ हूँ। भाईजान मुझे तो लगता है वाकई में वो मुझ पे नजर रख रहा है। खैर चलता हूँ भाईजान, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। निखत बाजी, अगर मैं आपकी ऐसी एक फोटो ले लूं और फिर जब जीजू आए उनको दिखा दूं तो? निखत बाजी, नूजा चुपचाप लेट जाओ। अरे निखत बाजी उठ के देखिए ना, मेरा बाजी स्माइल कर रही है। मेरा बाजी आप
क्या सोचकर इतना स्माइल कर रही है? चल क्या रहा है? हम सुबह से देख रहे कि आप बड़ा मुस्कुरा रही है। अरे हमें भी तो बताइए क्या बात है। बताओ ना क्या बात है। मेरा बाजी बताइए ना। बोलो। एक मिनट। बोलो। क्या आप दोनों एक राज सिर्फ अपने तक रख सकती हैं? हाँ रख सकते हैं। ओके बोलो ना। बताती हूँ क्या बात है। मैं भी रख सकती हूँ। फूफी मैं क्या कह रही थी, मेरे दिमाग में ना एक बात चल रही है। बोलो। देखो इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। जैसे नजमा वेट लूज नहीं कर रही क्योंकि वो डाइट चीट करती है, और जैसे जैसे मेरी पोइट्री पब्लिश नहीं हो पाती क्योंकि लोगों की थिंकिंग इतनी डीप है ही नहीं। वैसे ही ये अपने जो मिस्टर खान हैं, इनके भी ऐसे होने की कोई ना कोई वजह तो होगी ना। ऐसा मतलब जैसे वो है कैसे चुप चुप से रहते हैं, खामोश से, और दिल की बात दिल में रखना सीक्रेटिव से, खोए खोए से, नो ऐसे क्यों है वो? वो बचपन से बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ खामोश, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बचपन से लेकर अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। तो मुझे बताइए ना वो बातें पुप्पी। मिस्टर खान के कैरेक्टर को समझने के लिए उनके बचपन को जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कम ऑन पुप्पी बताइए मुझे। अब क्या बताऊं उसके बारे में। ओके टू बिगिन विद वो बहुत ही गोलू मोलू था, गोबलू गोबलू। पुप्पी पुप्पी ये नहीं पूछ रही हूं मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनकी मेंटालिटी कैसी थी शुरू से, जैसे कि बचपन में वो कैसे गेम्स खेलते थे। मैं बताती हूँ, उनको सुपर हीरो बनने का बहुत शौक था। बचपन में पता है हम गार्डन में टॉवेल पहनकर बैटमैन और रॉबिन जैसे घूमते रहते थे। करेक्ट। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसे सुपर हीरो की स्टोरीज पसंद नहीं आती थी, स्पाई स्टोरीज का फैन हो गया। मुझे कहता था अम्मी जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं ना जासूस बनूंगा। कुछ नहीं हुआ, इतनी चोट लगी खून बह रहा, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर आएगा घर में सबको पता चल जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन जो घर में हो रहा है वो भी खराब हो जाएगा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बाइक से गिर गया था ना, एक तो रोज में ठीक हो जाऊंगा। पर आयान चुप, किसी को कुछ नहीं बताएंगे आप, अब खास करके आप अम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, वरना मेरी बाइकिंग बैन हो जाएगी। चलिए वादा कीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे, मेरा वादा कीजिए ना प्लीज। थैंक यू। देखो शायरी तो करता ही हूँ, अब तो तखल्लुस यानी पेन नेम भी मिल गया हमें, आयान अहमद गायन। अब बहुत बुरे हैं। पर आप तो बहुत अच्छी है ना मेरा बेगम। अब चलिए अब जाइए मैं आता हूँ, जाइए ना मेरा, और किसी को आप इसका कुछ भी मत बताइए क्या। भाईजान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है जीजू ना 500 बार आपके बारे में पूछ चुके हैं, अब चलिए
चलिए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।